हो गया पानी के शोर से आप आइडिया लगा सकते हैं। ये यहाँ अपनी कैंपिंग वगैरह सारी हो चुकी है, तो मतलब ज़्यादा शार्प कट नहीं है यहाँ पे। अटल टनल क्रॉस करते वक्त तो बहुत शार्प कट्स आए थे जहाँ थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है, पर यहाँ नॉर्मल है, यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। ये चिनाव नदी है, हम इसके किनारे किनारे अभी आगे जा रहे हैं। वहाँ स्नो भी जम रही है पहाड़ पे ऊपर अभी तक भी, और जून का भारी गर्मियों का यहाँ पे भी पिघल के आ रही है थोड़ी थोड़ी। पानी इतना ठंडा है, बर्फी है। हमने बर्तन साफ किए हैं, हमें पता चल रहा था कि आप बिल्कुल हाथ सुन हो गए थे यार, क्या गजब कही। बस यहाँ से तो निगाह नहीं हटने की मेरी, तो पूरे रास्ते इस विंडो पे ही लटकी रहूंगी यहाँ पे। पानी के शोर से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी इतने रफ्तार से नीचे गिर रहा है। और ये जाके इधर और उधर से हम आ रहे हैं, और जाना इधर है। ये सेम ये गाना इस पे कितना अच्छा लगेगा। हमारे रास्ते में शिशु, जो यहाँ की एकदम फेमस जगह है अटल टनल के बाद। मैं आपके लिए लेह लद्दाख के लिए वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन पसंद आएगी या नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट करके ही बता सकते हैं। पसंद आ रही हो तो भी बताना है, ना पसंद आ रही हो जो कमी है वो भी आपको बताना है। जब तक कोई मुझे कमेंट करके नहीं बताएगा तो मुझे अपनी वीडियो में खामियों का पता नहीं चलेगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लेह लद्दाख से जुड़ी हुई आपको और भी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस एंड फ़ोटोज़ देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पे जाकर आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लद्दाख में जो रोड और पहाड़ों का नज़ारा है वो कहीं और जगह मिल ही नहीं सकता है। सबसे यूनिक पहाड़ और यहाँ के रास्ते हैं, रास्ते इतने साफ़ सुथरे बने हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत डैमेज भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा हाईवे टाइप्स बना हुआ है। Oh,
और अब आने वाले हैं दो रास्ते डिवाइड होने वाले हैं, हमारा केलोंग वाला रास्ता रहेगा, फिर बाला लाचा ला पास आएगा और फिर उसके बाद ले, और इनकी यहीं पे बोर्ड पे इनकी डिस्टेंस भी लिखी हुई है। रास्ता वाकई में बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है सही में। लेह लद्दाख में मेन तो जो काम है वो रास्तों का है, पहाड़ों का है, नज़ारों का है, बाकी क्या है, बाकी तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ के मार्केट में चले जाओ। मेन मैं आपको अभी रास्ता ही दिखा रही हूँ, रास्ता ही घुमा रही हूँ, प्लीज़ इसी को इंजॉय कीजिए। हवा बहुत तेज है यहाँ पे और ठंडी भी है। हाँ दिखाता हूँ दूर से, यहाँ देखो ऐसा रेल बनी हुई है बहुत ज़्यादा। ये यहाँ अपनी कैंपिंग वगैरह सारी हो चुकी है। सोनी ठंडा है पानी उससे मुझे ना, बिल्कुल बर्फ़ है, बिल्कुल बर्फ़। और मैं अभी वेदर दिखा दूँ तो ऐसा लग रहा है अब बारिश आई और अब आई, एकदम से मौसम बिल्कुल चेंज, हवा बहुत तेज। और एक बच्चा हमें ना ऊपर, हम जिस रोड पे थे उससे भी ऊपर की साइड पे ना वहाँ पे वो था कि हिल, तो वहाँ पे इनका टेंट वेंट बना हुआ था, तो वहाँ पे हाय बोल रहा था। मैंने बोला इस बच्चे को कि बेटे हम अभी ऊपर आएंगे तो आपको टॉफ़ी देंगे, और ये बच्चा ना इतनी मेहनत करता करता नीचे ही आ गया बैठा। आपका नाम क्या है? अनुज। आप इतने ऊपर से क्यों आए? मैंने तो बोला था कि मैं अभी ऊपर आऊंगी, मैं आपको टॉफी दूंगी। सबसे अच्छी जिंदगी इतनी एज के बच्चों की होती है। अब ये आया था ऊपर, अभी वेट कर रहा है हमारी, और ये पत्थर पे ही सो गया, हाथ दोनों पानी में डाल रखे, और इसे ठंड भी नहीं लग रही है क्योंकि ये यहीं पे ही रहते हैं ना पानी में, पता नहीं यहीं पे ही नहा के चले जाते होंगे, और हमारे से तो हाथ ही नहीं दिया जा रहा। और अभी हम नीचे नदी के किनारे से उतर आए हैं तो सही में इतनी ज़्यादा सांस फूल गया ना ऊपर आने में, अभी बस हाथ हिला कर ही हाई कर रहे हैं। रहने वाले और बच्चे बड़े प्यारे हैं, यहाँ के आने जाने वाले को बाय जरूर बोलते हैं। और ये जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है ये दरचा का ब्रिज है, और अभी इसी के ऊपर से हम होकर जाने वाले हैं। के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जगह जगह किसी को भूख प्यास चाय पानी ज़रूरत पड़ता है तो साथ में विलेज है, तो वहाँ पे हमें ढाबा रेस्टोरेंट वगैरह मिलते रहते हैं। और यहाँ पे एंट्री हो रही है, ये ऊपर ले के लिए हो रही है ना शायद, और यहाँ पे चेक पोस्ट लिखा हुआ है और यहीं पे लिखा है दारचा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख स्पीति।
सारी जगहों में से कुछ जगह हमें जाना है, ये सारी जगह देखते हैं। और पहाड़ ऊपर स्नो, ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्नो। Dangerous.